हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दी चैनल और आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर दी जॉब अगर आप फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस्ड हैं ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए फ्रेंड्स जब भी हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं जब हम एडवर्टीज़मेंट देखते हैं वहाँ पर मैंशनड होता है कि वो जॉब किस टाइप की है क्या वो रेगुलर है कि टेम्प्रेरी है कॉन्ट्रैक्चुअल है कि एडहॉक है अब हमें रेगुलर और टेम्प्रेरी के बीच में डिफ्रेंस पता होता है है पर नॉर्मली हम कंफ्यूज रहते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल और एडहॉक के बीच में क्या डिफरेंस है तो आज की वीडियो हमारी इसी पर है फ्रेंड्स जहां पर हम देखेंगे कि एडहॉक अपॉइंटमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स जॉब में अप्लाई करने से पहले वी शुड बी फुल्ली अवेयर दैट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट देख लेते हैं कि वॉट आर एडहॉक अपॉइंटमेंट्स अब एडहॉक अपॉइंटमेंट्स में जो वर्ड एडहॉक है दैट इज लैटिन ओरिजिन वर्ड जिसका मतलब होता है फॉर दिस और एडहॉक अपॉइंटमेंट वो अपॉइंटमेंट होती है जब कोई पोस्ट क्रिएट की जाती है फॉर एनी स्पेसिफिक सिचुएशन या फिर पर्टिकुलर पर्पज़ तो जब कभी नीड अराइज होती है कि हमें इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक पोस्ट को क्रिएट करना है तो उसके अगेंस्ट जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसको हम बोलते हैं एडहॉक अपॉइंटमेंट्स और ये एक टेम्प्री अपॉइंटमेंट्स होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कॉलेज का हम एग्जाम्पल लेते हैं जब हमें कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाने के लिए या स्पेसिफिक uh, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कोई टीचर को अपॉइंट जाता था तो हम कहते थे कि आज हमारा गेस्ट लेक्चर है तो वो जो टीचर अपॉइंटेड था दैट वॉज ऑन एडहॉक बेसिस तो उसको एक स्पेसिफिक रीजन के लिए अपॉइंट किया जा रहा था कि जैसे ही वो रीजन कंप्लीट होता है या फिर जो रेगुलर एम्प्लॉय वहां काम कर रहा है वो जब वापस आएगा या तो छुट्टी पर गया है या फिर अगर वो बीमार है वो जैसे ही रीजॉइन करता है वैसे ही जो एडहॉक एम्प्लॉय है उसकी जो जॉब है वो टर्मिनेट हो जाती है और ऑटोमेटिकली और जो एडहॉक एम्प्लॉय है ही कैनॉट चैलेंज और वो अपहोल्ड नहीं कर सकता उस जॉब को उसको रेगुलराइज होने का कोई हक नहीं है बिकॉज ही हैज़ नॉट अंडरगोन एनी सिलेक्शन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू रिक्रूटमेंट रूल्स तो इसीलिए जो एडहॉक एम्प्लॉय है उसकी जो टर्मिनेशन है वो तब तक नहीं हो सकती जब तक वो स्पेसिफिक पर्पस या तो सॉर्ट आउट ना हो जाए या फिर जो रेगुलर एम्प्लॉ है वो वापस रीजॉइन ना कर ले हाउएवर कुछ प्रोटेक्शंस दी जाती हैं फॉर एडहॉक एम्प्लॉयज़ या फिर एडहॉक पोस्ट के लिए कि जैसे इसमें मिनिमम पे स्केल आपको दी जाएगी सेकेंड अगर फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं तो उस केस में मटर्निटी लीव एंड बेनिफिट्स आर ऑल्सो गिवन तो यहाँ पर कुछ प्रोटेक्शन दी जाती हैं पर एडहॉक एम्प्लॉय इज़ टर्मिनेटेड एज

कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है छः महीने का साल का या दो साल तक का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है सो दीज पोस्ट कम अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट जहां पर एक एग्रीमेंट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में तो ये आपको क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है वो किसी पोस्ट के अगेंस्ट नहीं क्रिएट की जाती सो दीज आर नॉट मेड अगेंस्ट एनी पोस्ट जैसे हमने एडहॉक पोस्ट uh, की बात करी थी दोज पोस्ट दे आर क्रिएटेड अगेंस्ट द टेम्प्रेरी और परमानेंट पोस्ट पर यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट में दीज आर नॉट क्रिएटेड अगेंस्ट एनी पोस्ट तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए एंड मोर ओवर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द फुल पे स्केल उनको फुल पे स्केल नहीं मिलेगा जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट uh, में सेट अप होगा कि कितना पेस्किल उन्हें दिया जाएगा दे आर एलिजिबल ओनली फॉर दैट ओनली सो फ्रेंड्स आई होप की नाउ यू आर फुल्ली क्लियर अबाउट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स एंड एडहॉक अपॉइंटमेंट्स एंड फ्रेंड्स इफ यू लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट यूजफुल प्लीज डू हिट द लाइक एंड शेयर बटन एंड इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग